मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पीछे अवकीर्णता के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ मापांक वाले क्वेश्चन किए थे, कुछ अलग क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने जांच परीक्षण किया था कि भाई ये फलन इस बिंदु पे अवकलनीय है या नहीं है। तो उसी प्रकार से आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें भी हमें देखो दिया हुआ है निम्न फलन एफ एक्स बराबर एक्स टेन इनवर्स एक्स एक्स नॉट इक्व टू जीरो, और एफ एक्स बराबर जीरो होगा जब एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। अवकलनीयता का हमें परीक्षण करना है। अवकलनीयता के लिए हमें LHD और RHD निकालने पड़ते हैं। अगर दोनों ही आपके बराबर हो तो हम कह देंगे कि ये फलन इस बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। सबसे पहले जो दिया हुआ फलन है वो लिखेंगे, तो एफ एक्स बराबर आपका आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स और एक्स नॉट इक्व टू जीरो, और ये जीरो जब आपका एक्स इक्व टू जीरो आ गया। अब एक्स बराबर जीरो पर, अब इस फलन के लिए बता देता हूँ, पहले एफ एक्स बराबर आपको एक्स टेन इनवर्स एक्स काम में लेना जब एक्स जीरो के बराबर नहीं हो, यानी जीरो के अलावा कुछ भी हो, और जब एक्स बराबर जीरो हो तो एफ एक्स बराबर कितना होगा आपका, जीरो होगा। तो LHD बराबर आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बट्टा माइनस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो बट्टा माइनस का। अब एफ जीरो माइनस एच, इसका मतलब हो गया एफ माइनस एच ही अपने को। तो देखो हमें एफ माइनस का एच ही है, तो यहाँ माइनस का एच है यानी एक्स की जगह माइनस का एच आ गया, माइनस में आ गया, इसका मतलब एक्स का मान जीरो से छोटा है। अब ये कह रहा है जीरो के बराबर हो तो ये काम लेना, जीरो के अलावा कुछ भी हो, छोटा हो चाहे मोटा हो ये काम लेना। तो इसमें हमने एक्स की जगह वन माइनस एच रखा, तो इधर भी एक्स की जगह वन माइनस रखा, तो माइनस का एच टेन इनवर्स माइनस का एच ये आ जाएगा। तो माइनस का एच टेन इनवर्स माइनस का एच, फिर माइनस, फिर हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए एफ जीरो, तो एफ जीरो हमने जीरो रखा तो एक्स बराबर जीरो हो गया। देखो एक्स जगह जीरो आ गया, तो जीरो है तो एफ एक्स बराबर कितना है, जीरो, तो यहाँ कितना काम आ जाएगा आपका, जीरो। तो ये लिख दिया हमने जीरो। देखो जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, माइनस एच से आपका ये कट जाएगा, तो यह आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन इनवर्स माइनस एच। अब अगर मैं जीरो रख दूँ तो एच से जीरो, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स जीरो। देखो यहाँ टेन इनवर्स है जीरो है, तो आपको इस प्रकार से देखना है, देखो टेन है जीरो है तो बचा कौन, तो देखो टेन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो आएगा, इसका मतलब तो टेन इनवर्स आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब टेन में कितना डिग्री ले कि उसका मान जीरो आ जाएगा, मान यहाँ जितना डिग्री लेंगे वो यहाँ ले, जीरो डिग्री नंबर होता है, इसका मतलब LHD का मान कितना आ गया, जीरो डिग्री आ गया, यानी जीरो आ गया। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक, LHD आ गया। अब हमें निकालना RHD, तो RHD बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका एफ जीरो प्लस का एच माइनस एफ जीरो बट्टा प्लस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका एच हो गया। अब हमें देखो हमें चाहिए एफ एच चाहिए, एफ एच ये देखो एफ एच हो गया, तो जीरो प्लस एच एच हो गया एच, तो एच एक्सिस का एच हो गया। अब एक्स में जीरो के अलावा कुछ भी हो तो ये काम मिलना है, तो इधर देखो एक्सिस का हमने एच रखा, तो इधर भी एक्सिस का रख दो एच टेन इनवर्स एच हो जाएगा। तो ये मान हो गया आपका, यहाँ आ जाएगा आपका एच टेन इनवर्स एच माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मान अभी भी हमने निकाला था, आपका एफ जीरो का मान कितना है, जीरो है, तो ये जीरो लो, तो जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एच से आपका एच कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो गया आपका टेन इनवर्स जीरो टेन इनवर्स एच। अब एच की जगह जीरो रख देंगे तो हो जाएगा आपका टेन इनवर्स जीरो। अब देखो टेन इनवर्स जीरो मतलब टेन में कितना कोण ले कि जीरो माना जाए, तो जीरो लेने पे आएगा, तो आपका RHD हो गया RHD बराबर जीरो। तो ये हो गया समीकरण दो। अब समीकरण एक और दो को देखो, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये फलन क्या आपका अवकलनीय है। तो हम कह देंगे समीकरण एक व दो से LHD इक्वल्स टू है आपका RHD, इसलिए फलन एफ एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीय है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स बट्टा 2 होगा जब आपका एक्स का मान 0 के बराबर हो, 0 से छोटा हो, और एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर बट्टा 2 होगा जब एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया, देखो हमें एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स बट्टा 2 काम में लेना है। कब काम में लेना है? जब एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा हो। एक हमें एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर बट्टा 2 काम में लेना है जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो। तो दो कंडीशन इस प्रकार से दी हुई है। हमें कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर अवकलनता का क्या करो, परीक्षण करो। अवकलनता का परीक्षण करने के लिए हमें LHD और RHD की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले फलन जो फलन दिया हुआ अपने को वो फलन लिखते हैं। तो एफ एक्स बराबर तो आ गया 1 माइनस कोस एक्स बट्टा 2 और एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर बट्टा 2 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। हमें एक्स बराबर 0 पर जांच करनी है। तो आपका एक्स बराबर 0 पर हम निकालेंगे LHD बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस का एच माइनस एफ 0 बट्टा माइनस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो नीचे बट्टा में तो माइनस का एच आ गया। अब एफ 0 माइनस एच, इसका मतलब एफ माइनस एच निकालना अपने को। इसका मान आ गया आपका एफ माइनस का एच, ये निकालना है। अब ये देखो तो एक्स का एक्स की जगह आया माइनस का एच, इसका मतलब एक्स का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे की कंडीशन कौन सी है, ये रही। तो इसमें रख दो एक्स की जगह माइनस एच, तो यहाँ रखा तो इधर भी रखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस माइनस एच बट्टा 2। तो रख देंगे इधर तो आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस माइनस एच बट्टा 2, फिर माइनस एफ 0, 0 रखना। अब एफ 0 का मान चाहिए, हमने एक्स की जगह 0 रख दिया, यानी एक्स 0 बराबर ये कंडीशन है। इधर एक्स की जगह 0 रखा तो इधर भी रख दो, जाएगा आपका 1 माइनस कोस 0 बट्टा 2। तो 1 माइनस कोस 0 का मान एक होता है 1 बट्टा 2, तो 1 माइनस 1 0, 0 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये लो आ गया आपका 0, मतलब एफ 0 का मान कितना है, 0 है। तो हम लिख देंगे ये लो मान हो गया आपका 0। अब ये तो 0 ही है तो 2 को ले आओ नीचे, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, तो आपका ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कोस। अब कोस के अंदर माइनस का हो तो माइनस गायब हो जाता है, तो माइनस उठा देता है, तो ये एच ही रहेगा, 2 आपका नीचे आएगा, लेकिन ये माइनस का 2 एच हो गया। अब अगर देखो हम एच की जगह 0 रखें, एच की जगह 0 रखें, 0 रखते देखो 1 माइनस कोस 0 का माना हुआ 1 हुआ, तो 1 माइनस 1 नीचे 0 हुआ, नीचे एच की जगह 0 तो 0 बट्टा 0 आ जाएगा। 0 बट्टा 0 वाली स्थिति आ जाए तो अपने एक ट्रिक बता रखा है हमने कि ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, तो मान आएगा वो लिख दो। तो इसका मान कितना आता है, 0 आता है। और हमारा एक फॉर्मूला भी है कि लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला याद नहीं हो तो आपका अवकलन वाला तरीका याद रखना, 1 माइनस कोस एच बट्टा एच। तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। अब इसका मान 0 होता है तो यहाँ माइनस 2 को छोड़ दो, बाकी सारा 0 हो गया, तो पूरा यह मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसलिए LHD बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये 0 आया कैसे, वो हम जब कोस का प्रसार करेंगे तो प्रसार वाला सूत्र से प्रसार करके फिर एच का भाग देंगे तब अपना मान 0 आएगा, जो मैं आपको पीछे लिमिट के जो सवाल करवाए थे उसमें बता चुका हूँ। और ये फॉर्मूला भी बताया हुआ आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो 0 बट्टा 0 वाली स्थिति बने तो ऊपर वाले का एच के सापेक्ष अवकलन, नीचे वाले का भी एच के सापेक्ष अवकलन करके देख लेना, फिर एच का मान रख देना, जो मान है वही आपका आंसर है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आपका RHD, तो RHD बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ 0 प्लस का एच माइनस एफ 0 बट्टा प्लस का एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये हो गया आपका एच। अब एफ 0 प्लस एच, एफ 0 प्लस एच का मतलब हो गया एफ एच, यानी हमें एफ एच का मान चाहिए। एच का मतलब 0 नहीं है, धनात्मक है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़े के लिए कंडीशन आपकी ये रही, ये रही। तो इसमें रखेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स, इधर एक्स की जगह एच रखा तो इधर भी रखेंगे एच माइनस 2 एच स्क्वायर बट्टा 2, ये आ जाएगा आपका एच माइनस 2 एच स्क्वायर बट्टा एच बट्टा 2 बट्टा 2, फिर माइनस एफ 0। एफ 0 का मान कितना, 0 निकाला था हमने,
अब यह आपका देखो ये 0 हट जाएगा, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा एच माइनस 2h² / 2h। ऊपर हम क्या करते हैं एच कॉमन लेते हैं ताकि नीचे वाला कट जाए, तो लिमिट एच टेंस टू 0 2h, ऊपर एच कॉमन लिया तो ये एच कॉमन लेते हैं, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2h, अब एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ बचेगा 1 माइनस 2h / 2। अब एच की जगह 0 रख देंगे, एच की जगह 0 रखते ये पूरा पर 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो 1/2 आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका RHD, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, आपका जो LHD है वो RHD के बराबर नहीं है। अब LHD RHD के बराबर नहीं है तो ये अवकलनीय नहीं है, तो हम कह देंगे समीकरण 1 व 2 से LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फलन एफ x = 0 पर अवकलनीय नहीं है।